दरबार लगा है ब्रांड के यहाँ, साउथ के सुपरस्टार, साउथ के भगवान रजनीकांत का दरबार। जी हाँ, एक दिन पहले रिलीज़ हुई है, 9 तारीख को, यानी कि आज दरबार। कल रिलीज़ होगी तानाजी और छपाक, उसकी बात कल करेंगे। आज बात करते हैं छपाक की। मुरुगदास जी ने डायरेक्ट की है, नयनतारा, पेयर्ड ऑपोजिट रजनीकांत, 65 के रजनी, 31 या 32 की हीरोइन। सुनील शेट्टी हमारे अन्ना नेगेटिव रोल में, निवेथा थॉमस और रजनी की बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, फादर और डॉटर की। वो आपको हंसने पे भी मजबूर करेगी और कुछ कुछ जगह रोने पर भी। द वन थिंग विच इज़ लैकिंग इन द मूवी इज गॉड वर्शिप बाय मुरुगदास। अगर रजनीकांत की चमचागिरी छोड़ के डायरेक्शन पे ध्यान देते तो बहुत बेटर फिल्म बन सकती थी। द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस। रजनी, सुनील शेट्टी को एक बहुत ज़बरदस्त विलेन के रूप में दिखाया गया, मतलब कि प्रोजेक्ट किया गया, पर इनिशलाइज नहीं किया। वो कहते हैं ना, सोचा कुछ था पर किया नहीं। करेंगे कैसे जब चमचागिरी से हटेंगे नहीं? अगर क्लाइमैक्स में वो एक्शन, वो तड़का दे देते, रजनीकांत हीरो कब तगड़ा लगता है? हीरो ज़बरदस्त तब लगता है अगर विलेन भी उतना ही ज़बरदस्त हो। इतने धाकड़ विलेन के होने के बावजूद मुरुगदास ने ये चीज़ मिस कर दी क्लाइमैक्स में, जो इस फिल्म को इवेंचुअली हर्ट करेगा, हिंदी बेल्ट में खास करके। साउथ के लोग तो भैया तमिल जो भी वर्जनों में लग रही है उसमें छाले मार मार के देखेंगे, बट दिस मूवी विल गेट हर्ट इन द हिंदी बेल्ट बिकॉज ऑफ दिस। इट्स अ बिग मिस्टेक बाय मुरुगदास। चमचागिरी छोड़ो, काम पे ध्यान दो भैया, देश की प्रगति पे ध्यान दो। मैं इस फिल्म को देता हूँ 2.5 स्टार। रजनीकांत के कुछ सीन्स बहुत ज़बरदस्त हैं। आई एम अ बैड कॉप, ये डायलॉग छा जाएगा, उनके फैंस मस्त हो जाएंगे। वेरी फाइन परफॉर्मेंस बाय दिस लेजेंड, 25 साल बाद पुलिस वाले की भूमिका में नज़र आ रहे हैं। आखिरी फिल्में थी बॉलीवुड में तो गिरफ्तार अमित जी के साथ, हम भी अमित जी के साथ, बोथ वर सुपर हिट्स। बच्चन नेम इज़ लकी फॉर रजनीकांत। जहाँ जहाँ अमिताभ बच्चन उनके साथ हुए हैं उनकी फिल्म चली है हिंदी बेल्ट में, जहाँ वो नहीं होते सफ़र करती है। इवन इन रोबोट, जो इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, उसमें इनका नाम हिंदी बेल्ट में अमिताभ बच्चन था, जब टकलू बन के आते हैं सेकेंड हाफ में। उससे पहले रोबोट नहीं, शिवाजी, जिसमें टकलू बन के आते हैं, रोबोट फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन थी। व्हाट आई वांट टू से इज़ अमिताभ बच्चन, द बच्चन ब्रांड नेम इज़ समवेयर अराउंड रजनीकांत वेन एवर ही हैज़ टू गेट सक्सेस इन हिंदी बेल्ट, इन हिंदी मूवीज़ या हिंदी डब मूवी, एनी वेयर। इस बार नहीं है, बट दिस मूवी कुड हैव बीन मच बेटर विद सुनील शेट्टी इन द नेगेटिव रोल, बट द डायरेक्टर मिस द ट्रिक बाय नॉट गिविंग हिम द प्लेस विच ही डिजर्व्ड इन द क्लाइमैक्स। एंड दिस फिल्म इज गोइंग टू हर्ट बिग टाइम बिकॉज ऑफ दैट। नयनतारा और रजनी की जो कॉमेडी है, एक उम्र का गैप रियल में दिखा दिया, जो असल में भी है वो फिल्म में भी दिखा दिया, और वो हिलेरियस वे में दिखाया। उसमें रजनीकांत की कॉमेडी टॉप क्लास है, स्पेशली इस डायलॉग, बोल वे साउथ के, हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर, साउथ का बंदा रखा भैया काम पे। वचन ले लिया था, तानाजी का रिव्यू दो, ओ छपाक का रिव्यू दो, पर उससे पहले दरबार का रिव्यू दो। हमारे भगवान की फिल्म है भैया, इनके भगवान हैं साउथ के, हमारे भी चहीते हैं रजनीकांत, द ग्रेट सुपरस्टार। भैया फिल्म साउथ में तो ज़बरदस्त चलेगी, हिंदी बेल्ट में चल जाती है अगर रजनीकांत, सुनील शेट्टी को रोल देते, स्कोप देते। प्रतीक बब्बर भी है फिल्म में, होना ना होना एक बराबर है। निवेथा थॉमस बेटी के रोल में छाई हैं इस फिल्म में। बाप बेटी के जो सीन्स हैं रजनीकांत और निवेथा के, वो देखने लायक हैं। और जो कॉमेडी सीन है नयनतारा और रजनीकांत के रोमांस को लेकर, वो भी देखने लायक है। कुछ एक्शन सीन ज़बरदस्त है, डायलॉग डिलीवरी रजनीकांत की टॉप क्लास है।
सुनील शेट्टी को स्कोप नहीं दिएगा, ही इज़ लुक्ड वेरी गुड इन हिज अपीरेंस एंड ऑल, बट उनको डायलॉग नहीं दिएगा। आई डोंट नो वट वॉज गोइंग थ्रू मुर्गदास माइंड, बट चलो कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, इंसान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, गलती माफ़ करो ब्रांड, बातें करो ग्रैंड। काला उंगा भैया, तानाजी और छपाक के रिव्यू के साथ, कंपैरिजन के साथ, और दीपिका की जो डिबेट चल रही है आजकल JNU स्टूडेंट्स के लिए, गई थी खड़ी हुई, वो सही था गलत था सब बात करूँगा कल, अभी के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।